हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ये शब्द हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी के। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में रहते हुए कई सालों तक देश की सेवा करी। भले ही मेरा या आप में से बहुत से लोगों का उनसे कोई रिश्ता नहीं है, पर उनका जाना न जाने क्यों मन को उदास सा कर गया। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि अटल जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने 16 अगस्त 2018 को अपने प्राण त्याग दिए। अटल जी की मृत्यु की खबर जितना दुख उनके समर्थकों को दे रही है, उतना ही विरोधी खेमे को भी। भले ही राजनीति में उनके कई विरोधी रहे हों, पर अपने सरल स्वभाव की वजह से उनका रिश्ता हर किसी से प्यार कह रहा है। अटल जी की हालत पिछले कुछ समय से काफी नाजुक बनी हुई थी, पर पिछले कुछ घंटों में वह काफी बिगड़ गई और आज देश को दुख के सागर में छोड़कर अटल जी हम सबको अलविदा कह गए। अटल जी को देश के प्रधानमंत्री के अलावा एक प्रखर वक्ता के रूप में भी जाना जाता है। वह कुल 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। भले ही इनमें से 2 बार वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, पर इस बीच उन्होंने लोगों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उनके जीवन और राजनीतिक सफर को शुरुआत से। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर नामक शहर में हुआ था और उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो कि एक स्कूल टीचर तो थे ही, साथ ही साथ एक कवि भी थे। और शायद अपने पिता को देख देख कर ही अटल जी को भी कविताओं से इतना लगाव हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर में रहकर ही करी और उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करी। कॉलेज करने के बाद वह मास्टर्स करने के लिए कानपुर चले गए। अटल जी उस दौर में पैदा हुए थे जब देश आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था और जब उनकी उम्र मात्र 15 साल थी तब उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया। देखा जाए तो उनका राजनीति की ओर ये पहला कदम था। 1944 में अटल जी को ग्वालियर शहर में आर्य कुमार समाज के जनरल सेक्रेटरी पद पर नियुक्त किया गया और इसी के बाद 1947 में देश आजाद भी हो गया, जिसके बाद वे आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बन गए। 1947 में उनको आरएसएस का विस्तारक बनाकर उत्तर प्रदेश भेजा गया, जहां उन्होंने उस वक्त के जाने माने शख्स दीनदयाल उपाध्याय के अखबारों में लिखना शुरू करा। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रधर्म, पंचजन्य और वीर अर्जुन जैसे न्यूज़पेपर्स के लिए भी काम करा। वे साल दर साल बेहतर होते चले जा रहे थे और वक्त के साथ वे काफी लोकप्रिय भी होने लगे थे और अब वक्त आ चुका था कि वे सक्रिय राजनीति में कदम रखें। 1957 में अटल जी ने भारतीय जनसंघ पार्टी में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसको जीतकर वे लोकसभा में पहुंचने में कामयाब भी रहे। उनकी क्षमता को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ये तक कहा कि आगे चलकर वे अवश्य प्रधानमंत्री बनेंगे। वे लगातार चुनाव जीतकर लोगों में अपनी एक अलग पहचान बनाते जा रहे थे। 1975 से 1977 में इमरजेंसी के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी इस बात की गवाह थी कि वे एक बड़े नेता बनते जा रहे थे। इमरजेंसी हटने के बाद 1977 में दोबारा इलेक्शंस कराए गए, जिसमें जनता दल की सरकार बनी। इस वक्त तक अटल भारतीय राजनीति के लिए एक जरूरी नेता बन चुके थे। उनकी बेदाग छवि को देखते हुए उनको मोरारजी देसाई की कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। मंत्री रहते हुए अटल जी ने यूनाइटेड नेशंस की सभा में हिंदी में अपना भाषण देकर इतिहास रच दिया। उनके इस काम ने देश में खूब वाहवाही बटोरी। 1979 में जनता दल की सरकार गिर गई। इसके बाद अटल जी को देश में एक नई पार्टी बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए उन्होंने 1980 में लाल कृष्ण अडवाणी और भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर एक नई पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने रखा भारतीय जनता पार्टी। 1984 के चुनाव में अटल जी की बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें ही हासिल हुई, जो कि उनकी सोच के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। पर इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीति में बदलाव किए और इसी तरह बीजेपी अटल जी के नेतृत्व में 1996 में पहली बार लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हुई। 1996 के चुनाव में अटल जी की भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और फिर गठबंधन के साथ तो अटल जी ने सरकार भी बना ली और इस गठबंधन में अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। पर कई अलग अलग दलों से मिलकर बनी ये सरकार सिर्फ 13 दिनों तक ही चल सकी और बनने के 13 दिन बाद खुद अटल जी ने इसको इस्तीफा देकर गिरा दिया। 1998 में दोबारा से चुनाव हुए, जिसमें अटल जी ने एक बार फिर से अपनी सरकार बनाई। इस बार उनकी सरकार सिर्फ 13 महीनों तक चल सकी। किसी दल के समर्थन वापस लेने के बाद वह गिर गई। 1999 में फिर से चुनाव कराए गए। इस बार बीजेपी ने पहले से कई ज्यादा सीटें जीती और 13 अक्टूबर 1999 को अटल जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली और इस बार वह अगले 5 सालों तक नॉन स्टॉप देश के हित में काम करते रहे।
वैसे तो अटल जी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान कई काम किए, पर जो काम उनको सबसे अलग बना गया वो था पोकरण टेस्ट कराने की परमिशन देना। इसके अलावा उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 2004 में सबको उम्मीद थी कि लोकसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन दोबारा से सरकार में आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। 2004 में मिली हार के एक साल बाद 2005 में अटल जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने राजनीति के सफर में खुद तो अच्छे से राजनीति की ही, पर अपने साथ वालों को भी राजनीति सिखाई। आज ना जाने कितने बड़े बड़े नेता उनकी ही उंगली पकड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। अटल जी को 2015 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज वह भले ही हमारे बीच ना हो, पर उनके वाक्य और उनकी कविताएं हमको सदैव प्रेरणा देती रहेंगी। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिन्हें चुनने की हैसियत मौत में भी नहीं होती। मृत्यु ने अटल जी को नहीं चुना, अटल जी ने मृत्यु को चुना है। बाकी अटल जी हमारे दिलों में तो हमेशा अमर रहेंगे ही। दोस्तों, अगर आपको अटल जी के जीवन की कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।